जय बालाजी पैकेज टूर्स लाए हैं चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, साथ ही साथ हरिद्वार भी। 28 मई से 10 जून की 13 दिन की ये शानदार यात्रा केवल 23,000 रुपए में, जिसमें आपको प्रतिदिन घर जैसा सुबह नाश्ता और रात का खाना दिया जाएगा, साथ में ट्रेन टिकट, और पूरी यात्रा होगी हरिद्वार से वापस हरिद्वार तक 13 सीटर बस से। आज ही कॉल करके अपनी बुकिंग करवाएं। जय बालाजी। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्हासनगर के टू व्हीलर बाजार में मनपा की तरफ से हो रही कार्रवाई को देखते हुए व्यापारी विजय खटवानी ने एनसीपी नेता कमलेश निकम पर आरोप लगाया था, जिसे कमलेश निकम ने निराधार बताया है। वहीं कमलेश निकम ने उल्टे मारुति मोटर के गिरीश व विजय पर आरोप लगाया है। देखिए, पहली बात तो मैंने कोई भी ऐसी व्यापारी यो की कोई भी ऐसी शिकायत महानगर पालिका में नहीं की है, और न कि ये जो टू व्हीलर वालों को जो तकलीफ़ें हैं वो 2-3 महीनों से तकलीफ़ें हैं। इसके पहले ओमी कलानी जी से उन्होंने गुहार लगाई थी तो हमने उस कार्रवाई को रोको, ऐसी मांग की थी मनपा के प्रशासन से। पर मनपा प्रशासन का जवाब था कि जिस तरीके से हथगाड़ी वालों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरीके से ऑटो चालकों पर कार्रवाई कर रहे हैं, उस तरीके से रास्ते को बंधित आने वाले जो भी बंधित करेगा रास्तों को उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो हमने कहा था कि देखिए, कार्रवाई रोकना चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पर इस तरीके की कार्रवाई महानगर पालिका की चलते रही। तो जो व्यापारी बता रहे हैं कि फोटो खींचा, मनपा को दिया, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम हरदम व्यापारियों के साथ में खड़े रहते हैं। और जो व्यापारी बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा संगठन टू व्हीलर का, सिर्फ दो लोग एक है मारुति मोटर का जो गिरीश है और दूसरा विजू नामक कोई व्यक्ति है, ये जो दो लोग हैं, ये दो लोग जाने से पूरा वहाँ के बाजार के लोग नहीं गए। बाजार बहुत बड़ा है, टू व्हीलर एसोसिएशन, फोर व्हीलर के भी बहुत बड़े बाजार है। तो दो लोग जाने से, और दो लोग क्यों गए हैं, क्योंकि वो पहले उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग थे, और उसके जुड़ने के बाद उनको बहुत दिनों से उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन से जुड़े थे। पर वो जो दो लोग हैं, जो मारुति मोटर है, वो लोगों को गाड़ियाँ देता है, उसके बाद उनसे पैसे लेता है, और पैसे लेने के बाद उन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, चोरियों की गाड़ियों को धांधली करता है। इसके वजह से बहुत सारे जो व्यापारी है, वो व्यापारियों की शिकायत जो है, वो शिकायत आ रही थी हमारे पास में, ओमी कलानी जी के पास आ रही थी। और ओमी कलानी जी के पास जब शिकायतें आई तो उनको भी हमने बुलाया और उनको भी कहा कि आप इन शिकायतों का निवारण करें, पर वो कहाँ नहीं तो कहाँ, उनको लोगों के पैसे डुबाने थे। और ऐसे जो धांधलीखोर व्यापारी है, जो लोगों के करोड़ों रुपए खा गए हैं, उन लोगों को ओमी कलानी जी ने बुलाकर उनको समझाया था कि आप लोगों के पैसे दे दो, क्योंकि गाड़ियाँ जो है, गाड़ियों के पैसे ले लिए और गाड़ियों के नंबर नहीं दिए थे कुछ लोगों को, तो इसलिए वो दुखी होकर, उनको लगा कि हमको पैसे देने पड़ेंगे। उसलिए एक नया संगठन जो कोई बना है, वो स्वयं घोषित जो अध्यक्ष है दीपक छतलानी, उनके पास वो गए, और आमदार और ये सब जाकर कल आयुक्त जी से उन्होंने मांग की। पर मुझे लगता है कि आयुक्त ने क्या सकारात्मक निर्णय लिया मुझे मालूम नहीं, पर व्यापारियों का जब जब भी कोई बात होगी, जब जब भी कोई समस्या होगा, तो कलानी परिवार हम सब वहां पर खड़े रहेंगे। जय बालाजी पैकेज टूर्स लाए हैं अमरनाथ की यात्रा, साथ ही साथ वैष्णो देवी यात्रा, 1 जुलाई से 11 जुलाई तक केवल 14,000 रुपए में, जिसमें रहने के लिए रूम्स, अमरनाथ यात्रा के लिए टेंट और पूरी यात्रा जम्मू टू जम्मू मिनी बस 27 सीटर से की जाएगी। और तो और, मेडिकल रजिस्ट्रेशन का भी खर्चा जय बालाजी पैकेज टूर्स ही करेंगे। तो हो जाइए तैयार बाबा बर्फानी और माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी।